हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सबको हम करवा दिए हैं। तो जो भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, जो भी ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स हैं, सभी जाके उस वीडियो को देखिए, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, जीआई टैग से रिलेटेड हो, सारे थीम पे हमने करवा दिया है। जो बचा खुचा है उसको भी हम लोग करवाएंगे। तो और ये करंट है तो हम लोग जून का भी करवा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। पिछले जो भी 2021 का है हम करवा दिए हैं, तो आप लोग एक बार जाके ध्यान में रखिएगा, देखिए वीडियो को, सारे क्वेश्चंस हैं और अच्छे से स्टैटिक को भी हम लोग कवर किए हैं। तो आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं जून का आने वाले। मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ काम चल रही थी यहाँ पे। तो चलिए फिर अब जून का जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते रहते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021-22 में, और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम पढ़ाते हैं तो पिछले डाटा भी बताते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर अभी से पूछता है तो वो भी आ जाएगा, और अगर पिछला डाटा पूछता है तो वो भी डिस्कस हम लोग करते हैं, तो ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सिर्फ व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? सिर्फ नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ है। तो देखिए एक बात यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, 2021 और 22 अगर पूछे कि इसमें सिर्फ पे कौन है, तो सिर्फ पे अमेरिका है, सिर्फ पे अमेरिका है, और सेकेंड नंबर पे चीन है। लेकिन अगर 2020-21 में पूछे कि शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे चीन आ जाएगा। शीर्ष पे कौन है? चीन है, और सेकेंड नंबर पे अमेरिका है। तो देखिए आपसे या तो ये पूछेगा, ये पूछेगा, तो दोनों हम लोग डिस्कस किए हैं, तो प्लीज डिस्कशन को देखिए, क्या डिस्कशन को देखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे 21-22 पूछता है तो अमेरिका हो जाएगा। चलिए देखिए अब जो है हम लोग इस छोटी छोटी स्टैटिक को भी देखेंगे धीरे धीरे। तो देखिए ये देख रहे हैं, ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। इसमें टोटल ऐसे तो 8 कॉन्टिनेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट की खोज हुई है, लेकिन ज्यादातर 7 कॉन्टिनेंट ही अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अभी जीलैंडिया का कोई डाटा हम लोग के पास है नहीं। तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ये भी देखते हैं कि क्या क्या है और लोकेशन क्या है, और दूसरी बात है कि ये बड़ा छोटा भी कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है, सबसे ज्यादा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये सारा चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एशिया, क्या सबसे पहले एशिया, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे ये देखिए यूरोप है, ये कौन है, यूरोप है, जो कि यूराल माउंटेन है, जिसके जिससे जो है एशिया यूरोप से अलग होता है, तो ये भी देखना है। ये देखिए अफ्रीका है, क्या है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, कौन, ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे देखिए ये साउथ अमेरिका है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ये है, और यहाँ पे ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, ये क्या है, अंटार्कटिक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अंटार्कटिक है। अब सबसे बड़ा छोटा अगर पूछे तो सबसे पहले एशिया एक नंबर पे है, अफ्रीका दो नंबर पे है, फिर उसके बाद तीन नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका है, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका है, सिक्स नंबर पे यूरोप है, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड नंबर पे अगर पूछे तो अफ्रीका है। और भी एक चीज देखिएगा, ये देखिए ये यहाँ पे बीचों ये देखिए ये जो गुजर रही है ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये देखिए यहां से जो ये गुजर रही है ये कर्क रेखा है, 37.5 डिग्री पे जो है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये मकर रेखा है, क्या है, ये मकर रेखा है। तो याद, तो ध्यान रखना है कि अफ्रीका
ये इक्वेटर, ये इक्वेटर देख लीजिए कि अफ्रीका जो है तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों रेखा गुजरती है, चाहे वो इक्वेटर हो या कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं क्रॉस करती है, तो अफ्रीका कौन कौन, तो कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा। और देखिए यहाँ पे ये भारत है, तो भारत से कौन रेखा गुजर रही है, तो भारत से कर्क रेखा। भारत को दो भागों में कौन सा काटता है, तो कर्क रेखा काटता है। अब देखिए ये, देखिए ये जो है साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका से इक्वेटर क्रॉस करती है और कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन तो याद रखिएगा, और कैंसर। यहाँ पे देखिए अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इससे सिर्फ कैंसर क्रॉस करती है, कौन, कैंसर क्रॉस करती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब आगे देखिए, आगे भी देखेंगे इससे रिलेटेड, ग्लोब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा सबको हम लोग देखेंगे। देखिए WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किसे भारतीय राज्य का चयन किया गया, तो इसका आंसर तो झारखंड हो जाएगा। सबसे पहले अगर WHO के बारे में कभी भी पूछे कोई, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते हैं। इसकी स्थापना 7th of April 1948 में हुआ है, और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी कभी कभी पूछेगा कि जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में क्या है, जिनेवा है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर तंबाकू निषेध दिवस पूछे कि तंबाकू निषेध दिवस, तो 31st of May को तंबाकू निषेध दिवस बोला जाता है। तो ये भी देख ध्यान रखना, ये सारी चीजें। स्वास्थ्य दिवस अगर पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7th of April को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये झारखंड से भी रिलेटेड कुछ चीजें देख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार है और बिहार के नीचे झारखंड है, बिहार के नीचे झारखंड है, और झारखंड कब बना है, झारखंड कब बना है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। और इसकी अगर राजधानी पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो रांची में इसकी राजधानी है, और यह एक लैंड लॉक स्टेट है, लैंड लॉक स्टेट है, ये भी ध्यान रखना, लैंड लॉक स्टेट है। और अगर इससे पूछे सीमावर्ती, यानी कि इसके समीप कौन कौन से है, तो सबसे पहले बिहार से अलग हुआ भाई, तो बिहार होगा ही। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे बिहार है, फिर यहाँ पे देख लीजिए बिहार भी इससे बॉर्डर शेयर करती है, और उत्तर प्रदेश भी अगर यहाँ पे मिटा के हम आपको दिखाएं एकदम कि मिटा के, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, तो यहाँ पे झारखंड इसे भी सटा हुआ है, तो क्या होगा, यूपी भी है। अगर थर्ड नंबर पे बात करें, तो देखिए यहाँ पे झारखंड है, तो ये छत्तीसगढ़ भी इससे बॉर्डर शेयर करती है, तो छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। और अगर फोर्थ नंबर में यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, नीचे में ओडिशा भी है, नीचे में कौन है, ओडिशा भी है, यह भी है। और फिफ्थ नंबर में देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है, कौन है, वेस्ट बंगाल है। याद रखिएगा बांग्लादेश झारखंड से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, क्या बीच बांग्लादेश नहीं करती है, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल घुसा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे समीपवर्ती। और याद रखिएगा भारत बिहार की जो, झारखंड की जो राजधानी रांची है, उसी से कर्क रेखा क्रॉस करती है, यानी कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक अगर कोई शहर बोले तो रांची है, यह भी ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा झारखंड कर्क रेखा से क्रॉस करती है, लेकिन बिहार नहीं करती है, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें हम लोग झारखंड के बारे में देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सारे झारखंड के हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग जो देवघर है, बाबा बैद्यनाथ की धाम है, वो भी झारखंड में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा, इजराइल ने किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है, तो ये देख लीजिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और संयुक्त अरब अमीरात का एक मिशन था जो कि काफी चर्चा में है, होप मिशन।
क्या होप मिशन, जो कि पर्यावरण को लेके होप मिशन की लॉन्चिंग की गई थी, एक खाड़ी देश है जो कि संयुक्त अरब अमीरात है। और अगर इसकी कैपिटल पूछे, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और स्टैटिक भी, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल अगर इसका पूछे तो अबू धाबी हो जाएगा। क्या? अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और देखिए कभी कभी आपको करेंसी पूछेगा तो यूएई दिरहम, दिरहम क्या हो जाएगा, दिरहम यहाँ की क्या है, करेंसी है। और इसकी सबसे सबसे लार्जेस्ट अगर सिटी पूछे तो दुबई है। कौन है? दुबई है। और बहुत रिच सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ से भी लोग जाते हैं और यहाँ अच्छी खासी पैसा कमा के आते हैं। तो ये सारी यूएई से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए यूएई है, यहाँ पे क्या है, यूएई है। तो यूएई के हम लोग चर्चा कर दिए। देखिए यहाँ पे मैप के जरिए भी देख लीजिएगा, अफ्रीका से ये जो यहाँ पे है ये यूएई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंडियन ओशियन से बॉर्डर भी शेयर करती है, इंडियन ओशियन के पास है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महिला सुरक्षा। देखिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है, महिलाओं को लेके जो सीटें की आरक्षित की गई थी, महिलाओं से रिलेटेड जो ट्रेन में बस में ये सारे चीजें में जो सीट का आरक्षण किया गया था उससे रिलेटेड है। और ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। और यह इस मिशन के तहत 4000 लोगों को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया था, जो कि जबरदस्ती महिलाएं के सीट पे ट्रेवल करती थी। और महिलाओं के सुरक्षा से ही रिलेटेड मिशन आहट भी आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया था, जो कि तस्करी भिक्षु को लेके ये मिशन था। दूसरे नंबर पे सहेली, क्या, सखी सहेली एक मिशन था जो कि महिलाओं के सुरक्षा से रिलेटेड था, वो भी आरपीएफ के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ये देखिए कहाँ पे गए थे, तो सेनेगल की यात्रा पे गए थे। सेनेगल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जहाँ की यात्रा करने वाले ये जो वेंकैया नायडू जी हैं, प्रथम प्राइम ये क्या है, प्रेसिडेंट है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट है, पहले उपराष्ट्रपति हुए ऐसे हैं जो कि अफ्रीका के सेनेगल कंट्री का क्या किए थे, गए थे वहां पे टूल के रूप में, यानी कि किस यात्रा में, सेनेगल। सेनेगल की अगर राजधानी की बात करें तो डकार है। क्या है यहाँ की राजधानी? डकार यहाँ की कैपिटल है कॉन्टिनेंट, और ये कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए यहाँ पे ये अफ्रीका में ये सेनेगल है और यहीं की यात्रा के लिए ये कौन गए थे, वेंकैया नायडू जी गए थे। और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत क्या है, बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये गए थे यात्रा में। देखिए अफ्रीका का अगर मैप आया है तो हम आप लोग को बता देते हैं इसके जो लोकल विंड है, लोकल विंड और कौन सा हॉट विंड, लोकल हॉट विंड जो है उसके बारे, और सहारा डिजर्ट जो पाया जाता है वह भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही सूडान में है। ये देख सकते हैं ये सूडान है, ये साउथ नॉर्थ सूडान है, ये साउथ सूडान है। तो यहीं पे जो सूडान है यहीं पे क्या होता है, सहारा रेगिस्तान है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पे एक सिरको, क्या है, सिरको विंड है, लोकल विंड है सिरको, सिरको जो कि यहाँ पे मोरक्को से क्रॉस करती है। तो और दूसरे में है यहाँ पे हरमटन, इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है क्योंकि अंटार्कटिक ओशियन के जो मॉइस्चर विंड होती है उसको शिफ्ट कर देती है, इसलिए इसको हरमटन विंड भी बोला जाता है। यहाँ पे केप ऑफ डॉक्टर विंड होती है या बर्ग जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की लोकल विंड है। और एक इजिप्ट में है जिसका नाम खमसिन विंड है, ये भी अफ्रीका कंटिनेंट का ही लोकल विंड है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि लोकल विंड, जैसे कि भारत के लोकल विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल जो विंड, गर्म विंड होती है उसको लू बोलते हैं, उसी तरह से अफ्रीका में भी लोकल विंड का ये सारे नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सिरको विंड बोलते हैं, खमसिन बोलते हैं, हरमटन बोलते हैं, केप ऑफ डॉक्टर या बर्ग बोलते हैं, ये सारे विंड अफ्रीका के लोकल हॉट विंड का नाम है, ये प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अब आगे देखते हैं, ये देखिए सेनेगल कंट्री है जिसका, छोटा सा कंट्री है, इसको मैप देख लीजिए। आगे देखते हैं कि देश का पहला सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया गया, तो ये उत्तराखंड में लगाया गया और ये एशिया का पहला मिरर टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, जो कि पानी के किनारे, पानी के अंदर ही ये काम, ये पौधा जो क्या विकसित हो रही है, और ये कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और यहाँ के अगर लोकल विंड की बात करें तो यहाँ पे ब्रिक फील्डर है, और ऑस्ट्रेलिया की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैनबेरा यहाँ की कैपिटल है। और याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके नाम पे देश का भी नाम है, उसके देश का भी नाम है। तो याद रखना है क्या है, कैपिटल उसका कैनबेरा है, और ब्रिक फील्डर लोकल विंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करती है, ट्रेवल करती है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है, तो ये COVID-19 के टीकाकरण को लेके है, स्पुतनिक 5 कौन है, सबसे पहला वैक्सीन अगर बात करें तो स्पुतनिक 5 जो कि किसके द्वारा, रूस के द्वारा बनाया गया था, और भारत के द्वारा क्या है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है भारत के द्वारा बनाया गया वैक्सीन है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राज्य ऑपरेशन पिंक अगर पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के सुरक्षा को लेके ऑपरेशन पिंक चलाया गया था, और कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाएं पुलिस है और महिलाओं को सुरक्षा के लेके ये ऑपरेशन चलाया गया है। ये देखिए अजूबा, यानी कि विश्व के 7 अजूबा में से एक अजूबा भारत का ताजमहल भी है जो कि आगरा में है, और यह यूपी में है, तो कभी आप लोग यूपी जाइए तो आगरा जरूर जाइए और इस जो ताजमहल है इसके बारे में देखिए, और यहाँ पे यहाँ का जो वास्तुकला है यानी कि यहाँ का जो आर्ट है उसके बारे में अध्ययन कीजिए, ना कि सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए जाइए, फोटो क्लिक भी कीजिए लेकिन यहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग जो यहाँ के आर्ट को हर एक चीज से सजाया है उस चीज को देखिए कि वाह ऐसा भी हो सकता है, और इससे खुद को प्रेरित कीजिए, क्या खुद को प्रेरित कीजिए कि उस जमाना में जो कि शाहजहां के टाइम बनाया गया था वो जब ऐसा काम और इसी बारीकी से बनाया गया है, तो अब तो दुनिया हाईटेक चल रही है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जाइए और यहाँ के आर्ट से रिलेटेड देखिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यूपी है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता, तो अगर ये पूछे हॉकी में कौन देश ने, तो ये दक्षिण कोरिया, कौन हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, किसको हरा के, मलेशिया को हरा के ये जीता है। और भारत इस पे क्या किया है, भारत भी इसमें कांस्य पदक जीता है, कौन सा कांस्य पदक जीता है, और किसको हरा के, तो जापान को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ बनेगा, तो बरौनी में। दूसरी देखिए, अगर नैनो यूरिया प्लांट पूछे तो इसको क्या दे देंगे, बड़ौनी में। और एक अभी चर्चा में है, इथेनॉल प्लांट कहाँ बना है, अगर पूछे कि इथेनॉल प्लांट कहाँ बना है तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे, पूर्णिया में। यहाँ पर नीतीश कुमार जी इसका अनावरण किए थे, तो पूर्णिया में। और इथेनॉल प्लांट जो है इससे किसानों को फायदा होगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि किसानों को कैसे फायदा होगा, तो किसानों के जो फसल होते हैं तो ये इससे इथेनॉल बनेगा, जैसे कि गन्ने की डंठल से, भुट्टा के खोई से, भूसी से, ये सारे चीज से इथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल का काम क्या है, तो ये पेट्रोल के ज्वलनशीलता को बढ़ाएगा, पेट्रोल के ज्वलनशीलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को नुकसान कम करेगा, पर्यावरण को नुकसान
कम करेगा, तो इससे रिलेटेड ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला फिशिंग कैट सर्वे, सबसे पहले एशिया का पहला फिशिंग कैट सर्वे किया गया था उड़ीसा में, उड़ीसा के कौन से, चिल्का झील में, कौन से, जो कि खारा पानी का सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और ये देखिएगा फिशिंग कैट जो है वेस्ट बंगाल का राजकीय पशु भी माना जाता है, है तो उड़ीसा के चिल्का झील में टोटल 176 फिशिंग कैट का सर्वे किया गया था, तो क्या उड़ीसा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि चिल्का झील को लैगून झील बोलते हैं, चिल्का झील को लैगून झील का संज्ञा दिया गया है, और लैगून झील उसको बोलते हैं जो कि समुद्र के किनारे जो झीलें रहती है उसको लैगून झील बोलते हैं। और याद रखिएगा बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ कौन सा राज्य है भारत का, तो उड़ीसा, और उसी से सटा हुआ बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में ही चिल्का झील है, इसीलिए इसको लैगून झील बोला जाता है। और ये अभी शायद मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा चिल्का झील मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में चिल्का झील है। आगे देखिए देख सकते हैं ये उड़ीसा है, और उड़ीसा बंगाल की, ये बंगाल की खाड़ी और यहीं पे चिल्का झील है, इसलिए इसको लैगून झील बोला जाता है। जितने भी तटवर्ती क्षेत्र में अगर कोई झील पाया जाता है तो वैसे झील को लैगून झील क्या होता है बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कब तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि रिस्टोर करने का लक्ष्य है, तो इसका 2024 तक है, कब तक 2024 तक, और 2024 तक ही लक्ष्य क्या है, हर घर जल मुहैया करवाना भी 2024 तक का क्या है, भारत सरकार का लक्ष्य है। और एक बात याद रखिएगा 2070 तक, कब तक 2070 तक जो है भारत सरकार का, मतलब भारत का जीरो CO2, मतलब CO2 उत्सर्जन में जीरो लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक। और भी याद रखिएगा 2024 तक में ही इसरो के द्वारा गगनयान को लॉन्च, 2023 में ही इसरो के द्वारा गगनयान लॉन्च करने का भी मिशन है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल का स्कूल का नाम क्या होगा, यह पीएम श्री स्कूल होगा, और इसमें पढ़ाई किताबी नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी। और यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आयामों पे ये पीएम श्री स्कूल चलेगा। और याद रखिएगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके पहले किस पे पॉलिसी पे चलती थी, 1986 के पॉलिसी जो राधा कृष्णन समिति के की सिफारिश पे की गई थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है ये के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे ये काम किया जा रहा है, इन्हीं के मापदंडों के अनुसार किया जा रहा है। के कस्तूरी रंगन के इसरो के पहले चेयरमैन कभी हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चींटी से भी छोटा रिमोट से चलने वाली दुनिया का सबसे छोटा तो रिमोट ड्रोन क्या हो, कौन बनाया है, तो अमेरिका ने बनाया है, कौन, अमेरिका बनाया। और याद रखिएगा अमेरिका की ही एक यूनिवर्सिटी है जो कि क्या 2025 यानी कि 2025 तक अंतरिक्ष का पहला होटल क्या करेगा, इस अंतरिक्ष का पहला होटल लॉन्च करेगा, अंतरिक्ष का पहला होटल लॉन्च करेगा जिसमें टोटल 25 से 27 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, और 2027 में दूसरा जो है अंतरिक्ष होटल लॉन्च करेगा, कहाँ के, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी एक कंपनी है उसी के द्वारा, और उसमें टोटल 250 से 300 बैठने की व्यवस्था होगी। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5th of June को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की शुरुआत की गई थी, तो ये अगर पूछे कि ये किसके द्वारा, तो राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा ये काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये राजस्थान का मैप है। आगे देखिए कि हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कौन हो जाएगा? अश्वनी भाटिया को। किसको? अश्वनी भाटिया को ये काम किया गया है। और देखिए सेबी, सेबी का अगर स्थापना की डेट बोले तो 1992 में हुई है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी क्या है, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्वनी भाटिया को मिला है। अब देखिए अजय माथुर, अजय माथुर जो है आई एस ए के अध्यक्ष के रूप में विराजमान है अजय माथुर। आगे देखिएगा राजीव कुमार जो है अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि राष्ट्रपति के पद के, राष्ट्रपति का अभी चुनाव की घोषणा भी किए हैं। और राष्ट्रपति के पद पे अभी चर्चा में द्रौपदी मुर्मू जी काफी चर्चा में हैं। वह अगर भारत की राष्ट्रपति बनी तो पहली वो आदिवासी महिला होगी जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद पे विराजमान होगी, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हैं। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे जातीय जनगणना कराने वाले देश का दूसरा जिला कौन है, तो अगर पहला पूछे कि पहला कौन है, तो पहला कर्नाटक है। लेकिन ऑथेंटिक कर्नाटक करवाया था, बट ऑथेंटिक कभी ये रिपोर्ट नहीं दिया। और ये कब किया गया था, तो 2015-16 में ये की करवाया था। और अगर ब्रिटिश काल में पूछे कि ब्रिटिश काल में जातीय, लास्ट में जातीय जनगणना कब हुई है, तो 1931 में हुई है। और अभी हाल ही में बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं, चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार जी हैं, अभी बिहार में जातीय जनगणना को लेकर काफी चर्चा में जुटे हुए हैं। तो ये बिहार का मैप है, देख सकते हैं। तो बिहार की राजधानी सभी को पता है, पटना है। आगे राज्य दर्शन एपिसोड में हम सारे राज्य को, सारे राज्य से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे चीज हम करवा रहे हैं। गोवा राज्य दर्शन, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का करवा चुके हैं, तेलंगाना का करवा चुके हैं, आने वाले एपिसोड में हम गुजरात का दर्शन करवाएंगे। तो आप सारे उस वीडियो को देखें अगर राज्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी हो तो। नेक्स्ट देखते हैं कि गरीब कल्याण सम्मेलन 2022 नामक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा गया, तो कहाँ पे? शिमला में। नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र किस देश में है, तो कुवैत में। कहाँ पे? कुवैत में। और कुवैत की अगर राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा? कुवैत सिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्रियों, क्या है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि कुवैत का कभी कभी करेंसी पूछेगी तो दिनार हो जाती है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन अगर पूछे तो ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आईएसए, देखिए आईएसए काफी चर्चा में रहता है। क्या? आईएसए काफी चर्चा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 2015 में। और किसके किसके बीच, तो भारत और प्लस फ्रांस के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई है आईएसए के। और आईएसए का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम कहाँ है, तो हरियाणा में। ये ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। और भी एक बात ध्यान रखिएगा कि आईएसए में पहले वैसे सदस्य थे जो कि टेम्परे यानी कि ट्रॉपिकल जोन के थे। जैसे कि मान लिया जाए ये इक्वेटर है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, तो इसके बीच जितने भी देश आते थे यानी कि ट्रॉपिकल जोन के बीच में जितने भी देश आते थे वही आईएसए के सदस्य क्या बनते थे। लेकिन अब जो है ऊपर में भी यानी कि कर्क रेखा के ऊपर वाले भी देश जो है वो भी इसमें सदस्यता हासिल कर रहे हैं।
हैं और मकर रेखा के नीचे वाले देश भी। तो और इसलिए इस जोन के पहले, क्योंकि इसी जोन में सबसे ज्यादा सोलर हीट पड़ती है, क्या सबसे ज्यादा सोलर हीट ट्रॉपिकल जोन में ही पड़ती है, इसीलिए ISA यानी कि ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन था, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इसी रीजन के कंट्री शामिल होते थे, ये बातें ध्यान में रखना है। और इसमें अगर पूछे 101वां सदस्य कौन था, तो 101वां सदस्य अमेरिका था। और अगर 102वां सदस्य पूछे तो जुड़वा के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा जो है इसका 102वां सदस्य था। और 103वां सदस्य के रूप में अभी नया सदस्य कौन बना है, तो हंगरी बना है। कौन बना है? हंगरी बना है। तो ये सारे ध्यान में रखिएगा, तो कौन हो जाएगा? हंगरी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला सीमी हाई स्पीड मालगाड़ी का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये देखिएगा कहाँ पे, चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में गार्जियन रिंग अभिनव अगर पूछे, एक मिनट, देखिए हाल ही में गार्जियन रिंग अभिनव कार्यक्रम कहाँ पे, तो ये जो कार्यक्रम है ये किससे रिलेटेड है, तो ये योग से रिलेटेड है। किससे? योग से रिलेटेड है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और इसी को नाम, इस कौन, गार्जियन रिंग अभिनव के नाम से। और ये जो है 8वां संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। और मानवता के लिए योग, यानी कि इस योग की, 8वें संस्करण की जो योग हुई थी, इसका क्या था थीम? तो मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो यही थीम के साथ इस बार क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। और ये हुआ कहाँ था, तो मैसूर में। कहाँ पे? अगर क्वेश्चन पूछे कहाँ हुआ था, ये इसका ऑप्शन ये गलत है, कुछ अलग ऑप्शन आ गया है। तो इसका आंसर, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो मैसूर में। तो इसका आयोजन मैसूर में है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, इसका संस्करण 8वां था और थीम इसका मानवता के लिए योग है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस बार कहाँ हुआ? मैसूर में। तो और तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और जितने भी स्ट्रेटेजी उसको देखिए, प्लीज उसको देखिए। और जो भी अगर 2021 का करंट पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले ही वीडियो बना दिए हैं। और दूसरे में अगर राज्य दर्शन एपिसोड 3 राज्य का आ चुका है, चौथा आने वाला है, तो आप लोग अगर राज्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी जरूर देखिए। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।